हेलो दोस्तों, आज हम आपको करेला की खेती दिखाते हैं कि कैसे की जाती है। इसको अंग्रेज़ी में बीटर गार्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा तीखा होता है और ये काफ़ी गुणकारी सब्जी है और ये चीनी जिसको होता है यानी डायबिटीज़ में काफ़ी उपयोगी होती है। चलिए देखते हैं इसकी खेती कैसे होती है। तो ये है इसका खेत, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ फला हुआ है। तो इसके छोटे छोटे फूल होते हैं, ये छोटे छोटे फूल, और ये लता में फैलती है। तो ये लगभग मार्च में इसके बीज को रोपा जाता है और इधर दिखाते हैं आपको कैसे रोपा जाता है। तो मार्च में इसके बीज को रोपा जाता है और फिर ये थोड़ा बड़ा हो जाता है 10-15 दिन में। फिर इसको ऐसे क्यारियों में लगा दिया जाता है और फिर ऐसे बांस के छोटे छोटे बाती को लगा दिया जाता है उस पर, उसको चढ़ने के लिए। तो ये लता होता है और फिर ये फलने लगता है। ये लगभग सितंबर अक्टूबर तक फलता है और उसके बाद यहाँ पे हटा के फिर किसान लोग दूसरी खेती करते हैं। तो ये रहा करेला खेत, ऐसे ऐसे क्यारियों में लगाया जाता है। ऐसे होती है करेला की सब्जी की खेती। से देख सकते हैं बीच में ये फला हुआ, इसकी फुनगी को भी देख सकते हैं। ऐसे जैसे लता फैलने के लिए जैसे लगा रहता है, इसके छोटे छोटे फूल होते हैं काफी सुंदर। यही है करेला की खेती। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं हम। जो शहर में लोग रहते हैं वो लोग गांव में ऐसे कैसे खेती होती है हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो जो चीज़ हम लोग रोज़ खाते हैं वो चीज़ हमें ज़रूर देखना चाहिए, या हमारे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो शहरों में रहते हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए कि कैसे खेती होती है, ताकि उनका किसानों से जुड़ाव बना रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। यहाँ पे देखिए गुच्छा है काफी। देख सकते हैं जड़ जड़ से ये सब फैल के ऐसे पहुंच गया। उधर घीड़ा का पेड़ है यानी स्पॉन्ज गार्ड है और ये बीटर गार्ड है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।